जनपद में जुमे की नमाज पर सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम रहा तथा एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने घंटाघर स्थित दुकानदारों से बात की और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किया, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनित कुमार सिंह ने बताया कि जुमे की नमाज को लेकर सभी फोर्स ड्यूटी लगाई गई है तथा संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता के साथ पुलिस और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त शहर में फ्लैग मार्च भी किया गया और सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं सिविल डिफेंस के लोगों के साथ वार्ता की गई। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी तथा शांति का माहौल बना रहा। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस और पीएसी की ड्यूटी लगाई गई थी कि सभी पर विशेष नजर रखी जाए। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम राजेश वर्मा, कोतवाली सीओ विमल कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी कल्याण सिंह सागर सहित पुलिस बल मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनित कुमार सिंह ने कहा, ड्यूटी लगा दी गई है सेक्टरवार। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने शहर में सेंसिटिव स्थानों पर फ्लैग मार्च भी किया था कल जॉइंट रूप से पुलिस और प्रशासन का, और सभी धर्मगुरुओं, सभी धर्मों के मानिंद लोगों एवं जो समाज के सम्रांत लोग हैं उनके साथ वार्ता भी की जा चुकी है। सभी थानों पर पीस कमेटी की और विभिन्न समुदायों के साथ वार्ता की जा चुकी है और हम लोग पूरी तरह से इस बात को लेकर सुनिश्चित हैं कि किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं होने पाएगी और शांति का माहौल बना रहेगा। जो संवेदनशील स्थान है जहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन है जो कि हमेशा संवेदनशील माने जाते हैं, या पूर्व में जहाँ पे कोई किसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं उनको विशेष रूप से फोकस किया गया है और उन पर हमारी विशेष नज़र है।